पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा नौवीं की क्षेत्रमिति। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति, लेकिन हम लोग ने पिछले कक्षा से शुरू किया है क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कस किए थे, चलिए देख लेते हैं, हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कस किए थे लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड देयर कन्वर्जन। तो सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स बताएंगे कि हम लोग लंबाई की इकाई में कौन कौन सी इकाई पढ़ा था। हम लोग लंबाई की इकाई में कौन कौन सी इकाई पढ़ा था? लंबाई की इकाई में कौन कौन सी इकाई पढ़ा था? सारे बच्चे बताएंगे, बहुत में कौन कौन सा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर पढ़ा था। ये हमें लंबाई की इकाई पढ़ा था। और हमको इनका रूपांतरण हम लोगों ने सीखा था कैसे, किलोमीटर से मीटर में सीखा था, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, उसी प्रकार से मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर। तो चलिए उसको हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या होता है। तो हमें पता है कि अगर किलोमीटर से अगर हम लोग मीटर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो हम लोग 100 से गुना करते हैं। उसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानी होती है तो हम लोग किससे गुना करते हैं, हम लोग 10 से गुना करते हैं, है ना। उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो 10 से भाग देते हैं। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जानी होती है तो 100 से भाग देते हैं। अगर मीटर से किलोमीटर में जानी होती है तो 1000 से भाग देते हैं, 1000 से भाग देते हैं। चलिए, तो मेरा एक यहाँ प्रश्न है, मैंने पिछले क्लास में ये प्रश्न पूछा था सारे बच्चों से कि अगर हमें किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा, और किलोमीटर से मिलीमीटर में जाना होगा तो कितना से गुना करेंगे, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में, कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में मिलीमीटर में जानी होगी तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, ध्यान में देखिए, यहां से यहां तक कितना हो गया, 1000 × यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 100, फिर यहां से यहां हमें मिलीमीटर में जाना है, यहां से होगा × 10, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल हमें 1 पे 60, 1 पे 60, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10000, लाख, 10 लाख, तो कुल कितना होगा, 10 लाख से हमें गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमें किलोमीटर से मिलीमीटर में जानी होगी तो किससे गुना करना पड़ेगा, 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। तो जो बच्चे पिछली कक्षा में नए थे वो बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे वो बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। और जो बच्चे पिछली कक्षा में थे, अगर उन बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई, वो भी बच्चे चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, जल्दी से जल्दी करेंगे सारे बच्चे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया तो आगे समझ में चलिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक रस्सी की लंबाई 7 मीटर तथा दूसरी रस्सी की लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर है तो दोनों रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी। और इस प्रश्न का उत्तर सारे बच्चों को कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तब तक मैं क्या करता हूँ, आपको हिंट देता हूँ, ध्यान देंगे। पहली रस्सी की लंबाई जो है 7 मीटर है, दूसरी रस्सी की लंबाई जो है 300 सेंटीमीटर है ना। तो आपको दोनों रस्सी की कुल लंबाई निकालनी है। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए दोनों की इकाई क्या है, देखिए इसकी इकाई मीटर है, इसकी इकाई सेंटीमीटर है। क्या दोनों की इकाई सेम है? दोनों की इकाई जो है अलग अलग है। दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग है। हमें क्या करनी पड़ेगी, अगर मीटर है तो पहले मीटर में देख लो एक बार, या एक बार सेंटीमीटर में देख लो, दोनों का एक बार क्या करो, मीटर में देखो कि मीटर में आंसर मिल रहा है कि, या दोनों को क्या करो सेंटीमीटर में बदल कर देखो कि दो क्या सेंटीमीटर में आंसर मिल रहा है कि। चलिए इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, 30 सेकेंड का वक्त देता हूँ आपको, ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व करें और कहाँ उत्तर दे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करें, ठीक है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे, ठीक है। चलिए 10, 9, 8, 7,
सबको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, सबको इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में बदल कर देखते हैं। देखिए ये मीटर में था तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 7 × 100 ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, तो जाएगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर। जिन बच्चे का माइक ऑन है सारे बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर आपको कुछ भी बोलना है चैट बॉक्स में बोलिए, ठीक है। तो ये होगा आपके पास 1000 सेंटीमीटर। क्या 1000 सेंटीमीटर किसी ऑप्शन में है? नहीं है, जो सेंटीमीटर वाले ऑप्शन है वो तो 1000 वाला है नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या करते हैं, इन्हें हम मीटर में बदल के देखते हैं, क्या मीटर में बदलने से सही होगा क्या। देखिए ये तो मीटर में है, इससे मीटर में बदलते हैं, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 300/100 मीटर। तो 2 0 से 2 0 ये हो जाएगा आपके पास 7 मीटर + 3 मीटर, जो कि आएगा आपके पास 10 मीटर, जो कि आएगा आपके पास 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही बताइए सारे बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में यहाँ तक सारे बच्चों का, इस पेज का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, मतलब कि ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क वाला जो वर्कशीट वाली बुक है उससे निकाल लेंगे। हम लोग क्या करते हैं अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपना होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क है प्रश्न वाली 1.1, तो हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन नंबर टाइप कीजिएगा, अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए यहां पे बोल रखा है हमें मिलीमीटर से किसमें जाना है, मीटर में जाना है, किसमें जाना है, मिलीमीटर से मीटर में जाना है। चलिए मैं बता दूं, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, अगर हमें मिलीमीटर, ये क्या है, ये है मिलीमीटर, और इससे हमें किसमें जाना है, इससे हमें जाना है मीटर में। देखिए ये हो गया, पहले 10 से भाग देंगे फिर 100 से, तो कुल किससे भाग देंगे, कुल भाग देंगे हमें 1000 से, कुल किससे भाग देंगे 1000 से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मीटर से, अच्छा मीटर से मिलीमीटर में जाना, तो किससे गुना करेंगे, किससे भाग देंगे, हम लोग 1000 से गुना करेंगे। देखिए ध्यान दें यहाँ पे सर बच्चे, देखिए हमें मीटर से मिलीमीटर उल्टा करना, चलिए उल्टा करना हमें, देखिए हमें मीटर से मिलीमीटर में जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, कितना गुना करेंगे, 100 × 10 कितना होगा, 100 × 10 कितना गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे, है ना, है ना। देखिए हमें मीटर से किसमें जाना है, मिलीमीटर, यानी हम अगर मीटर से अगर हमें मिलीमीटर में जानी है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 30 मीटर बराबर होगा 30 × 1000 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 30000 मिलीमीटर। आगे समझ में, अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आता है प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6। चलिए मैं प्रश्न नंबर 6 बता दूं सारे बच्चों को, ध्यान देंगे। देखिए हमें पता है कि अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जानी रहती है तो किससे गुना करते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, तो 1000 से गुना करते हैं। इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 × 1000 मीटर, यानी 1000
मीटर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 19 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलनी होती है तो क्या करेंगे, 19 गुने 1000, तो ये हो जाएगा 19,000 मीटर, 19,000 मीटर। क्या हुआ, ये हमारा 19,000 मीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षा में सीख लिया था, यहां तक हम लोग ने पिछली कक्षाओं में सीख लिया था, और पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था लंबाई की इकाइयां। क्या सीखा था, लंबाई की इकाइयां और उनका रूपांतरण, ठीक है। और आज की कक्षा में हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यूनिट ऑफ एरिया एंड देयर कन्वर्जन, है ना। तो बहुत बच्चों को पता होगा कुछ क्षेत्रफल की इकाइयां। जिन बच्चों को कुछ क्षेत्रफल की इकाइयां पता है, वो बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कौन कौन सा क्षेत्रफल की इकाइयां आपको पता है। चैट बॉक्स में बताना आपको, आपको कौन कौन सी क्षेत्रफल की इकाइयां पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर सेंटीमीटर स्क्वायर, और कौन सी होती है बताइए, मीटर स्क्वायर, ठीक है, और मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मेरे तरफ से भी मैं भी क्या करता हूँ, आपको दो तीन दिखा देता हूँ कौन कौन से क्षेत्रफल की इकाई होती है, और आप जो बता रहे हैं वो भी सही है। चलिए देखते हैं, देखिए क्षेत्रफल की इकाइयां कौन कौन सी होती है। तो क्षेत्रफल की इकाइयां होती है वर्ग मिलीमीटर, मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, और हेक्टेयर। तो देखिए, सामान्यतः जो होता है, सामान्यतः जो होता है, जो क्षेत्रफल जो होती है वो वर्ग में रहती है, वो स्क्वायर में रहती है। जैसे देखिए, सारे सारे क्या है, सारे के सारे जो है वर्ग में है, स्क्वायर में है। फिर आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर ये हेक्टेयर तो वर्ग में नहीं है, ये हेक्टेयर तो स्क्वायर में नहीं है। हाँ, आपको ये याद रखनी है कि जो हेक्टेयर होती है ये स्क्वायर में नहीं होती है, हेक्टेयर जो होती है ये वर्ग में नहीं होती है। इस प्रकार हमारे पास टोटल 5 क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। कौन कौन सी हैं, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर और हेक्टेयर। और जैसे कि मैंने आपको लंबाई की इकाइयों में बताया था कि किसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, उसी प्रकार हम लोग इन इकाइयों का उपयोग कहाँ करते हैं। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, दो तीन दैनिक जीवन के उदाहरण से समझते हैं कि कौन से क्षेत्रफल की इकाइया का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास कोई कागज का टुकड़ा होता है, तो अगर इसका क्षेत्रफल आपको, अगर आपको निकालनी होगी तो किस इकाई में निकालिएगा। तो सामान्यतः अगर हम छोटी वस्तुओं को क्षेत्रफल निकालनी होती है तो हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सामान्यतः जो होती है, जनरली जो छोटी वस्तुएं होती हैं, अगर उनका अगर हमें क्षेत्रफल निकालनी होती है तो कौन से क्षेत्रफल की इकाई में निकालते हैं, तो छोटी इकाई जैसे कि मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपको एक दिख रहा होगा, ये क्या है, ये आपका एक शतरंज है, ये आपका क्या है, एक शतरंज है, चेस बोर्ड है, जिसे इंग्लिश बोलते हैं चेस बोर्ड, और हिंदी में बोलेंगे आपको शतरंज। और ये इसका भी हम लोग क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, एरिया निकालना चाहें, तो किस इकाई में निकालेंगे, इसको भी हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं। मतलब जो छोटे, बहुत ही छोटे साइज के, छोटे क्षेत्रफल के होते हैं, उनकी जो क्षेत्रफल निकाली जाती है छोटी इकाई में निकाली जाती है। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चार ऑप्शन वाइट करेंगे कि जो छोटा क्षेत्रफल होता है, छोटे स्थान में, स्थान वाले जो क्षेत्रफल होते हैं, तो उनकी जो हमें क्षेत्रफल निकालते हैं, निकाली जाती है, वो छोटी इकाई वाले उपयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार आपके मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे कि सर फिर मीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए देखिए, मीटर स्क्वायर का उपयोग, जैसे कि आपके पास कुछ थोड़ा बड़ी, छोटी से थोड़ा सा बड़ी, जैसे कि मान लीजिए एक रूम के बराबर हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम में दरी बिछाते हैं, अपने रूम में दरी लगाते हैं, पूरा पूरा रूम भर दरी लगाते हैं, मतलब थोड़ा छोटा से थोड़ा सा बड़ा,
मतलब मीडियम साइज के जो क्षेत्रफल होते हैं, जो मीडियम साइज के जो क्षेत्रफल होते हैं उसके जगह पे क्या यूज करते हैं, उसके जगह पे हम लोग मीटर स्क्वायर का, वर्ग मीटर का उपयोग करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मीडियम साइज के जो क्षेत्रफल होते हैं उसके लिए हम लोग मीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अब रही बात किलोमीटर वर्ग का यूज कहाँ करते हैं, किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है जैसे कि जंगल, अगर जंगल का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा बड़ा जंगल होता है और उनका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग किसमें निकालेंगे, तो उनका क्षेत्रफल हम लोग किलोमीटर में निकालेंगे। यानी अगर हमें बड़ी क्षेत्रफल निकालनी होती है तो हम लोग बड़ी इकाई का उपयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमें बड़ी क्षेत्रफल निकालनी होती है तो हम लोग बड़ी क्षेत्रफल की इकाई का उपयोग करते हैं। अगर हमें छोटी छोटी क्षेत्रफल की इकाई पता करनी होगी कि कहाँ यूज करते हैं, तो छोटी जो क्षेत्रफल वाली स्थान होती है वहां छोटी क्षेत्रफल की इकाई यूज करते हैं, जो मीडियम होती है उनके लिए हम लोग मीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं। अगर यहाँ समझ में आ गए कि कौन सी क्षेत्रफल की इकाई हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गई कि कौन सी क्षेत्रफल की इकाई हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, देखिए इसमें बहुत ही सरल बात क्या है कि जो सबसे बड़ी क्षेत्रफल होती है उसमें हम लोग किलोमीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं, जो सबसे छोटी होती है उसके लिए मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का उपयोग करते हैं, है ना। चलिए आप करते हैं, आपके सामने एक उदाहरण होगा, उदाहरण दिया है आपके सामने एक उदाहरण होगा, उदाहरण टू जो कि बोला है दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इससे सबसे पहले सभी बच्चों से पूछ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे वर्ग क्या होता है, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कि वर्ग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, वर्ग क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग कहलाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है। यानी ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, है ना, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। चलिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, इंग्लिश में बोलेंगे कि एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड गुने साइड होता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, सारे बताएंगे यूनिट इकाई के साथ बताएंगे सर बच्चे, इकाई के साथ बताएंगे सर बच्चे। बहुत बच्चे इसका उत्तर सही दे रहे हैं और बहुत बच्चे इसका उत्तर गलत भी दे रहे हैं, बहुत उत्तर सही दे रहे हैं और बहुत बच्चे इसका उत्तर गलत दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं कि इसकी इकाई क्या होगी, देख लेते हैं। देखिए हमें पता है भुजा गुने भुजा, और इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर, यानी ये होगा 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए 3 × 3 कितना हुआ, 9। अब रही बात यहाँ पे कि सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर कितना होता है, इसको समझने से पहले सारे बच्चे इसका उत्तर देंगे कि एक्स गुने एक्स कितने के बराबर होता है, बताएंगे सर बच्चे, एक्स गुने एक्स बराबर होता है, सारे सर बच्चे बताएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, वर्ग एक्स के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर के बराबर होता है, होता है ना। यानी उसी प्रकार करके हम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली होगी कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर हम किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसकी क्षेत्रफल जो होती है वो स्क्वायर में आती है, वो वर्ग में आती है, वो किस में आती है, वर्ग इकाई में आती है, स्क्वायर यूनिट में आती है, वर्ग इकाई में आती है, स्क्वायर इकाई में आती है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है चैट बॉक्स में,
वाई टाइप करना है, यानी किसी भी आकृति का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उसकी जो एरिया या क्षेत्रफल जो होती है वो वर्ग इकाई में आती है, वर्ग इकाई में आती है। आगे समझिए सर बच्चों को, सभी के सभी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेते चलना है, ठीक है, ताकि आप इसके नोट्स बना सके, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये उदाहरण समझ में आ गया तो इसी से संबंधित एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, जिसमें एक आयत दिया हुआ है और आपको इस आयत का क्षेत्रफल निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलते ताकि सर बच्चे लिख सकेंगे, इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। देखिए, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई, चलिए अच्छे से लिख देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू भी कर देते हैं। चलिए चलिए, जल्दी से जल्दी सारे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, सारे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी लेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। सर बच्चे क्या होगा, सभी सभी बच्चे जल्दी कहाँ देना प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना आपको, पोल सेक्शन में, चैट बॉक्स में इसका उत्तर देना है, कहाँ देना है, चैट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं। अब कुछ कुछ बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, कुछ कुछ बच्चे अब इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं उनको ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा, कौन सा लॉजिक, चलिए मैं बता दूं, ध्यान देंगे सर बच्चे। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि अगर हम किसी भी अगर आकृति को या किसी भी लंबाई को अगर जोड़ते हैं तो क्या होना चाहिए, उनकी इकाई बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है, एक जो मान लीजिए चौड़ाई है सेंटीमीटर में है, लेकिन ये क्या है, ये मीटर में है, तो क्या ये दोनों इकाई बराबर है, ये दोनों इकाई बराबर नहीं है। बहुत बढ़िया रमेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, हाँ आप सही कर रहे हैं, हमें पहले मीटर को सेंटीमीटर बदलना होगा या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत बच्चे इसका उत्तर क्यों गलत किए थे, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि अगर ये मीटर में है तो अगर ये भी मीटर में होता, जैसे कि ये अगर 1 मीटर होता तभी इसका आंसर जो होता 16 मीटर वर्ग होता, लेकिन ये दोनों मीटर में नहीं है, ये दोनों मीटर में नहीं है, एक सेंटीमीटर में है तो एक मीटर में है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को बदलते हैं, जैसे कि मान लीजिए लंबाई हो गया 2 मीटर तो चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। देखिए ये तो सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। हमें पता है कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना होता है तो 100 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 100, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, कितना होगा, ये हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी क्षेत्रफल कितनी हुई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हुई, लंबाई हो गई 200 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई कितनी हुई, चौड़ाई हो गई 8 सेंटीमीटर। तो जब इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 × 16 और ये 00, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि इसकी हमें क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसके हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आई समझ में। चलिए अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं चाहता हूं कि आप इसका जो क्षेत्रफल निकालिए वो जो होना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, वर्ग मीटर में होना चाहिए। चलिए बताइए सर बच्चे, अगर हम चाहें इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए तो कितना होगा, अगर हम चाहें इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए तो कितना होगा। चलिए मैं आपके लिए 30 सेकेंड का वक्त देता हूं, आप लोग आराम से इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर चैट बॉक्स में दीजिए। अगर मैं बोलूं कि इसका जो क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, उसी तरह में इसको मीटर स्क्वायर में निकालनी है, तो देखिए मीटर स्क्वायर की, देखिए इसको तो चेंज नहीं करना है, किसे चेंज करेंगे हम लोग, इसे चेंज करेंगे 8 सेंटीमीटर को, तो देखिए 8 सेंटीमीटर को जब चेंज करेंगे तो हमें पता है सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाना होगा तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देना पड़ेगा, यानी होगा 1/100,
एट बटा 100 मीटर, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.08 मीटर, 0.08 मीटर, यानी इसका मतलब हुआ लंबाई गुने चौड़ाई क्या होगा, लंबाई हो गया 2 मीटर इंटू चौड़ाई हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2 मीटर इंटू चौड़ाई 0.08 मीटर, यानी यहां से हो गया 8 × 2 = 16 0.16 मीटर स्क्वायर, क्या होगा 0.16 मीटर स्क्वायर। एक भी बच्चा का उत्तर जो है सही नहीं था, एक भी बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं था, लेकिन अब सारे बच्चों को उत्तर सही आने लगे हैं। चलिए अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि कैसे हम लोग इसको सेंटीमीटर वर्ग में, कैसे इसका क्षेत्रफल हम लोग मीटर वर्ग में निकालेंगे हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करें। आगे सुनने, अब बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिससे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मीटर स्क्वायर में आ जाए, या मीटर स्क्वायर से डायरेक्ट हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए। बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न चल रहे होंगे, क्या सर ऐसा कोई उपाय है जिससे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आ जाए, या मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए। हाँ, हमारे पास ऐसी उपाय है। उससे पहले क्या कीजिए, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जानी है, तो हमें कितनी से गुना करना पड़ेगा। फिर से मैं एक रिपीट करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो हमें कितना से गुना करना पड़ेगा, चलिए देख लेते हैं। हम ध्यान देंगे, देखिए हमें पता है कि मीटर स्क्वायर है, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं। सर बच्चे बताएंगे, अगर यहां तक सर बच्चे को समझ में आएगा कि मीटर स्क्वायर को मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, मीटर स्क्वायर को मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे, लिख सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत। चलिए अब देखिए, अब हमें पता है कि अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर में जानी होती है तो किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, यानी 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ, ये 1 मीटर है तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर, उसी प्रकार ये 1 मीटर है तो ये भी हो गया 100 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, अब क्या होगा, ये 100 × 100 क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर वर्ग, यानी अगर हमें मीटर वर्ग से सेंटीमीटर वर्ग में जानी होगी तो हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान देंगे, देखिए हमें पता है कि जो मीटर स्क्वायर है इससे हम लोग मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं, और हमें पता है मीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना होता है तो 100 से गुना करना पड़ता है, यानी 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होती है ना। इसका मतलब यहाँ पे मीटर है तो ये 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, उसी प्रकार से ये 1 मीटर जो होगा ये भी 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी इसका मतलब इससे अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इससे हमें ये पता चला कि मीटर स्क्वायर से अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो 10,000 से गुना करना पड़ेगा। अगर अब सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करें, आगे सारे बच्चों को समझ में। चलिए इसी प्रकार अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होगा तो हमें 10,000 से भाग देनी होगी, 10,000 से भाग देनी होगी। ये समझ में आया सर बच्चों को, आगे समझ में, जैसे अगर हमें सेंटीमीटर से
अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर मतलब कि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो 10,000 से भाग देनी पड़ेगी, है ना। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग अगला समझते हैं कि अगर हमें किलोमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में जाना पड़े, किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, 30 सेकेंड का वक्त देता हूँ ताकि सारे बच्चे इसको निकाल सकेंगे। किलोमीटर वर्ग से अगर हमें मीटर वर्ग में जाना पड़ेगा तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टीना गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, ललिता कुमारी नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, इन्होंने इसका आंसर सही निकाला है। सारे बच्चे निकालेंगे जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए हमें पता है कि किलोमीटर वर्ग का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर गुने किलोमीटर। हमें पता है कि किलोमीटर से अगर मीटर में जानी है तो 1000 से गुना करना पड़ता है। किलोमीटर से अगर मीटर में जानी होती है तो 1000 से हमें गुना करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर जो है किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1000 मीटर गुने 1000 मीटर। इस प्रकार ये हो जाएगा 1 पे 60 मीटर वर्ग, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर वर्ग से अगर हमें मीटर वर्ग में जानी होगी तो हमें 10 लाख से गुना करनी पड़ेगी। फिर से रिपीट करता हूं, अगर हमें किलोमीटर वर्ग से मीटर वर्ग में जानी होगी तो हमें 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना होगा तो 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। अगर ये प्रश्न, ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे जल्दी जल्दी। अगर ये रूपांतरण सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। आगे समझ में। चलिए उसी प्रकार अगर हमें मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो हमें 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी, 10 लाख से भाग देनी पड़ेगी। जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर हमें किलोमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाना होता है तो 10 लाख से गुना करते हैं, और मीटर स्क्वायर से किलोमीटर स्क्वायर में जाना होता है तो 10 लाख से भाग देते हैं। आगे समझ में सारे बच्चों को, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीन शॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करते हैं, अब क्या सीख लेते हैं हम लोग कि अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो किससे गुना करेंगे। जल्दी से बताएंगे सर बच्चे कि अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो किससे गुना करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टीना गौतम नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बहुत बच्चे, रतन सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, आंचल, यस सैनी, सारे के सारे बच्चे, कुमकुम, अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। ललिता नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, सुनील झा से जो नाम बच्चा ज्वाइन हुआ है, संजय सैन, मतलब अधिकतर बच्चे, भूप सोनी, मतलब अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए सेंटीमीटर वर्ग का मतलब क्या हुआ, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, है ना। और हमें पता है सेंटीमीटर से अगर हमें मिलीमीटर में जानी होती है तो 10 से गुना करते हैं। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीमीटर जो हो गया 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया, और यहां से भी 10 मिलीमीटर के बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 10^100 मिलीमीटर स्क्वायर। यानी इससे हमें ये पता चला कि सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। उसी प्रकार मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना पड़ेगा तो 100 से भाग देना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मिलीमीटर स्क्वायर से अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100
सौ से भाग देना पड़ेगा, उसी प्रकार अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो सौ से गुना करना पड़ेगा। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में राइट अप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चार बॉक्स में राइट अप करेंगे। एक बच्चा का डाउट है सर, किलोमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये सरल सरल चीजें समझ लीजिए, फिर अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी तो वो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। मैंने बोल रखा है कि हर एक पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें, ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। ठीक है, ले लिया आपने यहाँ तक, आपको यहाँ तक समझ में भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, जैसे एक बच्चा का डाउट है सर मीटर स्क्वायर से अगर मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे हम लोग लंबाई में लंबाई की इकाइयों को मापते थे, लंबाई की इकाइयों का रूपांतरण करते थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल की इकाइयों का भी रूपांतरण करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसी प्रकार अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा, कन्वर्जन रूपांतरण क्या होता है, कन्वर्जन मतलब मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर मतलब कन्वर्जन, उसका इकाई चेंज करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरण। ठीक है, चलिए तो बताएंगे सारे बच्चे कि अगर हमें मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए किससे करेंगे, पहले देखिए पहले क्या है, पहले 10,000, हाँ ठीक है, फिर किससे करेंगे, फिर करेंगे 100 से। तो 10,000 इंटू 100 टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा गुने एक पे कितना होगा, 4 2 6, एक पे कितना जीरो हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, ये हो गया 3, ये हो गया 6। तो इकाई दें सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, किससे गुना करना पड़ेगा, 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। यानी अगर हमें मीटर स्क्वायर से मिलीमीटर स्क्वायर में जाना होगा तो 10 लाख से गुना करना पड़ेगा। आगे समझ में, तो जिन बच्चों को डाउट था उसी प्रकार अगर हमें मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना पड़ेगा तो 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। आगे समझ में, अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो ये जो पेज का स्क्रीनशॉट होगा सारे बच्चों को कॉपी में होना चाहिए। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ा नया दिख रहा होगा, वो क्या है, जैसे कि चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने अभी आपको बताया कि सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग जाए तो किसे गुना करना पड़ेगा आपको, 100 से। उसी प्रकार आपको मीटर वर्ग से अगर सेंटीमीटर वर्ग जाए तो किसे गुना करना, सर आवाज नहीं आ रही। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है चैट बॉक्स में बोलिए, बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे कि अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। बाकी बच्चे को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में राइट अप कीजिए। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है, बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेंगे फिर ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सारे बच्चों को याद रखना, चलिए मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ इसको, कि एक हेक्टेयर बराबर जो होता है 10,000 मीटर वर्ग होता है। सारे के सारे बच्चों को इसको याद रखना है, सारे के सारे बच्चों को याद रखना है कि एक हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो 2 हेक्टेयर के बराबर, चलिए बताएंगे सर बच्चे कि 2 हेक्टेयर के बराबर है, इसका मतलब कितना मीटर स्क्वायर बराबर है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 हेक्टेयर के बराबर है, इसका मतलब कितना मीटर स्क्वायर के बराबर है सर बच्चे बताएंगे, 2 हेक्टेयर के बराबर यानी 20,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है,
अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत में। चल अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं आपको क्या करता हूँ, हिंट दे देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर वर्ग में जाना होगा तो किससे गुना करना पड़ेगा, आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द दीजिए, कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, काफी बहुत बच्चे अभी इसका उत्तर नहीं दे पाए हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए क्या है, हमारे पास है 20 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, 20 सेंटीमीटर वर्ग को किससे गुना, किसमें बदलना है, मिलीमीटर वर्ग में, मिलीमीटर स्क्वायर में बदलना है। तो हमें पता है कि सेंटीमीटर वर्ग से मिलीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2000 मिलीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, है ना। चलिए अगर आपको यह प्रश्न समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है। इस प्रश्न में थोड़ा आपको चेंजिंग करना है कि जितने भी ऑप्शन है सारे सारे ऑप्शन मिलीमीटर में दिया है, तो आपको क्या करना है, सबको मीटर स्क्वायर में रखना है, सबको क्या करना है, मीटर स्क्वायर में रखना है। प्रश्न बोल रखा है आपको, प्रश्न बोला है आपको 2 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए, 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए। और इसका उत्तर कहां देना है, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इसका उत्तर, इसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। 2 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो आपके पास मात्र 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। चलिए मात्र 10 सेकंड, मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसका उत्तर देंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमें पता है, हमें पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार 2 हेक्टेयर जो होगा ये जो बराबर होगा 2 × 10,000, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया 20,000 मीटर स्क्वायर। तो ये देखिए पहला है 200, ये गलत है, ये हो गया 20 लाख, ये भी गलत हो गया, ये 2000। कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे, हो गया। चलिए तो इसी प्रकार आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज की क्लास के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रखा है आपको, नीचे दी गई 2 आयताकार आकृतियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों आयत दिया, चलिए मैं आपको कहता हूं हिंट के लिए बता दूं, ध्यान दीजिए। हमें पता है, हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ गुने ब्रेथ। इतना हिंट काफी है। एक हिंट और दे सकता हूं आपको, ध्यान दीजिए, सारे के सारे ऑप्शन जो है, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, सारे सारे ऑप्शन जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्षेत्रफल आप निकालिए
उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालिए, तो आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड जो दूसरा आयत है इसका तो जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, लेकिन जो पहला आयत होगा इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलकर फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चलिए इस प्रश्न के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट का वक्त देता हूँ, ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से धीरे धीरे सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको 2 मिनट का वक्त दिया हूं इसका इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। चलिए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग 10 से भाग देते हैं, इतना ही तो और बताते हैं आपको देंगे। ठीक है, और लास्ट 1 मिनट बाकी है आपके पास, लास्ट 1 मिनट बाकी है आपके पास, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी बहुत बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें, जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दें। कहाँ देना इस प्रश्न का उत्तर, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना, आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलिए मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी देंगे। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, चल ध्यान देंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों आयत को अलग अलग बना लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पर बनाते हैं, देखिए ध्यान देंगे। देखिए पहला आयत ये है जिसकी लंबाई जो है 20 मिलीमीटर दिया है, चौड़ाई जो है 10 मिलीमीटर दिया है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, ये हो गई लंबाई जो है 20 मिलीमीटर, और जो चौड़ाई है ये दिया है आपको 10 मिलीमीटर, है ना। चलिए तो हमें पता है कि मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जानने के लिए 10 से भाग देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 20/10 सेंटीमीटर, जो कि बराबर होगा 2 सेंटीमीटर के, तो ये कट गया। और ये हो जाएगा 10/10 सेंटीमीटर, जो कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल जो होगा ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर। तो ये होगा 2 × 2 सेंटीमीटर, इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस बच्चा की भी माइक ऑन है प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। पुष्पेंद्र राज कुछ नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर फिर से अगर आपका माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए मैं इनको अब एंट्री नहीं दूंगा क्लास के अंदर। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट अप करके, ये आयत का क्षेत्रफल सारे बच्चों को समझ में आ गया कि 2 सेंटीमीटर वर्ग कैसे है, तो चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे, आगे समझ में। चलिए अब आती है बात, दूसरा आयत देखते हैं। तो देखिए दूसरा आयत जो दिया है, एक दिया 3 सेंटीमीटर और दूसरा दिया है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो वो भी आयत हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बना लेते हैं। ये आयत है इसका जो लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर और दूसरा जो दिया है वो है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये हो गया लंबाई दिया है इसका 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 1 सेंटीमीटर, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई जो है आपके पास हो गया 3 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई हो गया 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार क्या होगा, 3 × 3 × 1 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमें बोला है इन दोनों आयत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना होगा कुल क्षेत्रफल, कितने बताएंगे सर बच्चे, कुल क्षेत्रफल कितना होगा सर बच्चे बताएंगे, 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल कितना होगा, 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो सारे के सारे बच्चे, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो ए जो है मेरा सही उत्तर है, कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगर सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया है तो क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसको मैंने सेंटीमीटर में ही क्यों बदला, क्योंकि जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा का सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ था, जिसके वजह से मैंने क्या किया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया है। समझ में आ गया, आए सारे बच्चों को समझ में? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर लेना। सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट ये जो था आपका क्वेश्चन था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, सारे बच्चों ने ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नावली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, जो कि आपका होमवर्क है प्रश्नावली 2.1 जो कि पेज नंबर 109 में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ले लिए सारे बच्चे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, मैं उनका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं, बाय एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।